नमस्कार प्रणाम राम राम, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया? जी हाँ दोस्तों, मैं हूं मुकेश और स्वागत है आपका आपके ही चैनल ट्रैवलर AAS पे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल और टाइटल को पढ़कर जान चुके होंगे कि मैं आज आपको लेकर के जाने वाला हूं अंतरगंगे। जी हाँ दोस्तों, यहां पर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए है, तो चलिए वीडियो में और देखते हैं कि यहां पर क्या क्या चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए है। अंतरगंगे बेंगलोर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और ये कोलार डिस्ट्रिक्ट में आता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जाने के लिए आपको बेंगलोर से जो रोड है वो बहुत अच्छा मिलेगा, पर लास्ट के 2 किलोमीटर रोड जो गांव से होकर गुजरता है वो थोड़ा सा खराब है, पर आई एम श्योर कि आप राइड को जरूर इंजॉय करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला देखने का चीज है यहाँ का अंतरगंगे टेंपल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये टेंपल यहाँ का पहला अट्रैक्शन है जिसे साउथ का काशी भी कहा जाता है। यदि आप इस मंदिर तक आना चाहते हैं तो अंतरगंगे आने के बाद आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी चढ़ाई। हालांकि यहां सीढ़ियां बनी हुई है तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा मंदिर तक पहुंचने के लिए। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इस जगह को साउथ का काशी भी कहा जाता है, पर एक और खास बात यहां की है, तो चलिए देखते हैं वो खास बात क्या है। आप जो इस छोटे से टेंपल को देख रहे हैं यही यहाँ की खास बात है। चलिए देखते हैं कि इस टेंपल के अंदर है क्या। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां है एक गणेश जी की प्रतिमा, और जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो नीचे आप देखेंगे कि दो नंदी जी के बगल से पानी बह रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में कहा जाता है कि ये पानी बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर है और इसके सेवन से बहुत सारी बीमारियां यूं ही ठीक हो जाती है। कहां तक इसमें सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, पर ऐसा कहा जाता है। इस बहाव के स्रोत का पता अभी तक नहीं चला है और इसी कारण इसका नाम अंतरगंगे भी पड़ा, क्योंकि कन्नड़ा में अंतरगंगे का मतलब गंगा जो कि बहुत ही गहराई से निकलती हो। आपको यहाँ की इंफॉर्मेशन और मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, यहाँ पर सिर्फ एक टेंपल ही एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है बल्कि और भी बहुत चीजें एक्सप्लोर करने के लिए है, जैसे कि वाटरफॉल, केव्स, और सबसे जरूरी चीज यहाँ पर पहाड़ पर राइड करने का अलग ही मजा है, जिसे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। यदि आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दे, और हाँ सबसे जरूरी चीज कि सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि इसके अगले एपिसोड को आप कभी मिस ना करें। जी हाँ दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।